आज एक बार फिर आपका नवचेतना स्कूल दीक्षणा ताल के यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे टेंस के, प्रेजेंट टेंस के पहले भाग की, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं लिखता हूँ आज प्रेजेंट का पहला भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का ये पहला भाग, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें कोई भी टेंस हो उसकी पहचान आनी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अब वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद निगेटिव और इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अब इसका रूल नेम क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों साधारण वाक्यों में आई वी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा एवं ही सी इट या कोई नाम एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एस या ईएस कहाँ लगेंगे। तो ऐसी वर्ब जिसके अंत में एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड आदि वर्ड हो तो ई एस लगेगा, अन्य अन्यथा एस लगेगा। यह हो गया साधारण वाक्य का नियम। अब प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो ये देखो आप नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, दूसरा वाक्य है निगेटिव सेंटेंस, इसे नकारात्मक
वाक्य बोलते हैं या कहते हैं। तो इसका नियम है नकारात्मक वाक्यों में आई वी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट एवं ही सी इट या कोई नाम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। ये हो गया नकारात्मक सेंटेंस का नियम। अब मैं आपको तीसरे वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम बताऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्न वाचक वाक्य, प्रश्न वाचक वाक्यों में आई वी दे यू बहुवचन कर्ता हो तो डू सबसे पहले वह ही सी इट या कोई नाम एक वचन कर्ता हो तो डज सबसे पहले वह अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ये तीनों वाक्य के नियम हो गए। अब मैं आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगा। तो अब ध्यान से वाक्य को देखें। सबसे पहले वाक्य बनाने का फॉर्मूला या पैटर्न, इसका मतलब होता है सूत्र। तो सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट को कर्ता और क्रिया का प्रथम रूप और ऑब्जेक्ट को क्रम और अन्य। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया, फिर इसके बाद क्रम और अन्य कोई बात लिखनी है। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है, यानी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट पुकारेंगे। क्रिया वो जिस किसी काम का करना या होना पाया जाए, और ऑब्जेक्ट वो होता है कर्ता और क्रिया के द्वारा किए गए परिणाम को हम कर्म कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम इन वाक्य को जोड़ेंगे। जैसे पहला वाक्य है वह विद्यालय, वह विद्यालय जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि वाक्य की पहचानो, वाक्य की पहचान है वो है हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है। तो सबसे पहले हमने वाक्य के अंत में जो दिया हुआ है इसको पहचाना, वो क्या है? ता है, ती है। तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये वाक्य है साधारण। तो स्ट्रक्चर के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, सबसे पहले हम कर्ता को ढूंढेंगे। तो इसमें कर्ता है वह है, काम करने वाला वह है, तो लिखेंगे ही। अब क्रिया, कर्ता के बाद क्रिया, तो क्रिया इसमें है जाना, तो ही गो। अब आपको देखना पड़ेगा
कि कर्ता एकवचन है बहुवचन। अगर कर्ता एकवचन हो तो क्रिया के साथ एस या एस लगाओ, यहां पर कर्ता एकवचन है और वर्ब के अंत में ओ है तो इसलिए ही गोज हो जाएगा, ही गोज। अब विद्यालय क्रम है, विद्यालय जाता है तो कहीं जाता है तो जाने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। इस प्रकार से यह वाक्य बन गया ही गोज टू स्कूल। इसी का मैं निगेटिव बनाऊंगा, देखिए वह विद्यालय नहीं जाता है, यह हो गया नकारात्मक वाक्य, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो एकवचन करता है तो आपको पहले मैंने बताया था ही सी इट या कोई नाम एकवचन करता हो तो नकारात्मक वाक्य करना है तो आपको डज नोट लगाना पड़ेगा। तो लिखाएंगे ही डज नोट गो टू स्कूल, हो गया नकारात्मक वाक्य, ही डज नोट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। इसी को हम इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या वह विद्यालय जाता है, तो इस और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो क्या वह विद्यालय जाता है तो करता है इसमें ही है एकवचन करता है तो डज सबसे पहले आएगा, डज ही गो टू स्कूल और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको जानेंगे कि यहां पर एस आई एस क्यों नहीं आया, तो ये नियम है डू डज डिड के साथ हमेशा क्रिया की प्रथम फॉर्म ही आती है, डू डज डिड और टू के बाद हमेशा क्रिया की प्रथम फॉर्म ही आती है। तो इस प्रकार से क्या है ये वाक्य प्रेजेंट सिमिलटेंस के तीनों वाक्य हो गए, एक तो हो गया साधारण वाक्य, दूसरा हो गया नकारात्मक वाक्य, तीसरा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा हम मिश्रित वाक्य को, जैसे दोनों वाक्य मिश्रित होते हैं एक तो नकारात्मक और एक प्रश्नवाचक, तो हम मिश्रित वाक्य के रूप में लेंगे। देखिए चौथा वाक्य बनाओ, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है तो वह हो गया, इससे पहले हम क्या लगेंगे डज ही नोट गो टू स्कूल। इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और मिश्रित वाक्य पूर्ण हो गए हैं। आज का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला भाग पूर्ण हो गया। इसके लिए आपका नवचेतना चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।